आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। किसी शब्द का गहराई से अर्थ जाने बगैर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एक शब्द है ब्रिटेन में ज्यादा प्रसिद्ध है इंग्लैंड में, बगर। बगर एक स्लैंग वर्ड है वास्तव में। बगर यहां मैंने उच्चारण लिखा, ये एक क्रिया है और ईडी इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगती है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इसके आगे ईडी लगा दीजिए। BUGGER स्लैंग वर्ड माना जाता है। इसके तीन अर्थ होते हैं। अरे यार हट तेरे की, अरे फोन तो घर पे रह गया, अब मैं आया हूं स्कूटर लेके, अब स्कूटर की चाबी घर पे छोड़ गया, अब स्कूटर खड़ा रहेगा ऐसे। अरे यार गुस्से में बोला गया शब्द हट तेरे की यार, चाबी का गुच्छा तो घर में ही रह गया, फोन तो घर में ही रह गया। इस प्रकार के शब्द बगर हट तेरे की यार, आई हैव लेफ्ट माय कीज एट होम, घर पे ही छोड़ आया, चाबी का गुच्छा तो घर पे ही छोड़ आया, चाबी तो घर पे ही छोड़ आया, तो कैसे चलेगा ये कार या कैसे चलेगा ये स्कूटर, अब जाना पड़ेगा वापस। किसी चीज को गुस्से में इतनी बुरी तरीके से तोड़ना कि दोबारा रिपेयर ना हो सके, वो ठीक ना हो सके, कोई मैकेनिक उसको ठीक ना कर सके, इतनी बुरी तरह गुस्से में आके किसी चीज को तोड़ देना, टेलीविजन को फोड़ देना, कंप्यूटर को फोड़ देना, फोन को फोड़ देना, मोबाइल को देगा मारा ढांग, फिर ठीक ना हो सके। किसी चीज को गुस्से में इतनी बुरी तरह तोड़ना कि ठीक ना हो सके, उसके लिए भी शब्द का इस्तेमाल होता है। आई हैव बगैर माय फोन टुडे, आज मैंने अपना फोन ऐसा पटक के मारा, टकना चूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, अब सही नहीं हो सकता। आई हैव बगर्ड माई फोन टुडे, आज मैंने अपना फोन तोड़ दिया, बुरी तरीके से तोड़ दिया। किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना, हैव यू बगर्ड हिम, क्या तुमने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, हैव यू बगर्ड हिम, क्या तुमने उसके साथ जौन संबंध बनाए हैं, शारीरिक संबंध बनाए हैं उस लड़के के साथ, तुम भी पुरुष हो वो भी पुरुष है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।